हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे, घर पर सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की न्यूज़ जो है मैं आपको बता दूँ वो क्या है। बात हो रही है कि 2012 नियमावली क्या है, क्या उसमें एनएच डिलेड फिट बैठता है या नहीं। आप देख रहे होंगे एक पहाड़ टीवी से झूठ ही है एक तरीके से, मेरा उस पर वो पहाड़ टीवी नहीं था और किसी ने बना रखा है उस नाम से ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि एनएच डिलेड जो है एनसीटी से अप्रूव्ड बता रहे हैं लेकिन 2012 नियमावली में फ़िट नहीं बैठ रहा है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि 2012 की नियमावली में फ़िट बैठ रहा है और इसमें संशोधन भी कई बार हुए हैं। यानी कि 2012 नियमावली जो 2018 में संशोधन हुआ था उसके बारे में बात हो रही है। जैसे हम कह सकते हैं एक केस लड़ा गया था, एक लड़के थे हरिश्चंद्र ऐसे करके 2018 में, वो बाहर से डीएलएड या और कोर्स करके आए थे, उन्होंने रिट डाली थी, तब ये लिखा गया था कि कोर्स कहीं से भी कर रखा हो एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। ऐसे ही एनएच डीएलएड जो है एनसीटी से अप्रूव्ड है, इसको अप्रूवल दिया है एनसीटी ने। और मैं बता दूं कि एनसीटी क्या है, एक बंदा लिख रहा है कि एनसीटी पर केस कर दो, एनसीटी पर केस कर दो, इसने मान्यता दी है। बीएड को भी एक साल को भी एनसीटी ने मान्यता दी है, दो साल को भी। तो दो साल वाले कहने लगे भाई एक साल वाले एप्लीकेबल नहीं है, आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा, जो एनसीटी रूल रेगुलेशन बनाता है उससे होता है। दूसरा, एनसीटी अपने आप में एक संविधान है, जो रूल रेगुलेशन बनाता है आप इसे काट नहीं सकते, पहली बात तो ये है। एनसीटी जो है एनसीटी से अप्रूव्ड एनएच डीएलएड भी है, सभी को पता है। 6 जनवरी को तो स्पष्टीकरण लेटर था लेकिन 2017 से ये आ गया था और इसमें जो है पहले से इसकी प्रक्रिया चल रही थी 2009 से या 10 से, आप उसको देख भी सकते हो, पढ़ सकते हो पूरा। और जिस बारे में नॉलेज ना हो उस बारे में आदमी को बोलना भी नहीं चाहिए। देखिए एक लेटर और था बिहार से कि इसमें लिखा हुआ है कि जो एनएच डिलेड है वो मान्य तो है, एनसीटी से अप्रूव तो है, लेकिन क्या है कि ये प्राइवेट में नहीं लिया जाएगा। वो 2019 में आया था। अब उसको भी स्पष्टीकरण में आपको बता दूँ उसका क्या है। फिर एनएच डिलेड ने कोर्ट में केस डाला था, बिहार जजमेंट जो आया था वो 2020 में आया था, और वो कितने में था, 2019 में बता रहे थे। फिर उसके बाद जब वो आ गया जजमेंट तो फिर क्या हुआ, भर्ती में शामिल हो रहे हैं, पंजाब में देख सकते हो, राजस्थान में देख सकते हो, हर जगह ये वैलिड है। एनसीटी का रूल कोई नहीं काट सकता है, चाहे उसमें कोई भी हो, कैसे ही हो। देखते हैं कल क्या कंडीशन होती है। जैसे 2012 नियमावली ले लो या चाहे एनसीटी ले लो, दोनों में फिट बैठ रहा है, इसको कोई बाहर नहीं करने वाला। कि अपनी तरफ से बातें बनाना, उन चीज़ों को झूठ झूठ फैलाना, वो चीज़ें सही नहीं है। और कभी अखबार वाले भी छाप देते हैं कि एनसीटी और वो दोनों में उलझा है, इसमें कोई उलझने वाली बात नहीं है, क्योंकि नियमावली में सीधा लिखा है कि एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। एनसीटी से अप्रूव्ड है, पढ़ाई कहीं से भी कर रखी हो आप, और उसमें लिखा भी है 2012 नियमावली कि संशोधन किया हुआ, संशोधन मतलब टाइम टाइम पर जो संशोधन हुए उसके अकॉर्डिंग। कौन सा संशोधन हुआ था कि कोई भी जो भी डिप्लोमा हो वो एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। इससे एनएच डीएलएड वालों को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा, किसी से अभद्र टिप्पणी नहीं करनी है, गाली गलौज जो दे रहा है देने दो, किसी को कुछ बोल रहा है कहने दो, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो रूल रेगुलेशन होते हैं एनसीटी के रूल रेगुलेशन होते हैं उसे कोई काट नहीं सकता, ये भी जानते हैं, इनको पता है। क्योंकि जब बीएड हो या कुछ भी कोर्स हो, जब वो दो साल का कोर्स भी उसी ने मान्य किया है और एक साल का भी उसी ने मान्य किया है। अब क्या क्या है कि 2015 या 14 के बाद जिसने एक साल का बीएड कर रखा हो, सीटेट पास किया हो एक साल का बीएड पे, तो वो मान्य नहीं था, पर 2018 में अगर पास करेगा तो तब मान्य था। ये भी एनसीटी ने रूल बनाया है, इसको कौन काट सकता है। तो सभी चीज़ें यही हैं, कोई भी एक दूसरे से ना लड़े। हाँ मैं बीएड वाले हमारे बड़े भाई है, वरिष्ठ अध्यापक है हमारे, मैं उनसे एक ही आग्रह करूँगा कि हम लोग भी उनका सहयोग करें। सहयोग का मतलब ये है कि पद वृद्धि बढ़ाने में सरकार पर दबाव बनाए जिससे सभी का भला हो जाए, एनएस वाला हो चाहे बीएड वाला हो, डाइट वाला हो, कोई भी हो। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट कोर्ट खेलेंगे फिर उसके बाद आपस में लड़ाई होगी तो ये भर्ती रुक जाएगी। तो ये सभी से मैं एनएस डिलेड वाले हो कोई हो कि एक तो एनएस को ये रखे, पहली बात तो रखना पड़ेगा क्योंकि एनसीटी से अप्रूव्ड है। दूसरा जो है इनकी पद वृद्धि की मांग करें,
क्योंकि हमारे भाइयों का इनका भी क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ते होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।